दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और मैं आपको अब एकदम बिल्कुल क्लियर बता दूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ में बहुजन समाज पार्टी एक मंच पर आ जाएंगी। ये चीज़ें साफ हो गई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी को जो कि झकझोर दिया, उन्होंने जिस तरह से राम गोपाल यादव को लेकर बयान चल रहे हैं मीडिया में कि राम गोपाल यादव ने जो कि कह दिया कि बहन कुमारी मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में रहती तो हम नहीं रहेंगे। अब आपको यही समझना, यही तो रणनीति है इस बार जो है कि इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का प्रत्येक जो वहाँ पे पार्टी है पूरी तरह से मीडिया से बिल्कुल सख्त मतलब सावधानी के साथ काम कर रहे हैं। मीडिया पूरी तरह से मनुवादी मीडिया हो गया है, सबको पता किस तरह से काम लेना है। अब आपको बताता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी से जो कहलवाना चाहते थे, जो उगलवाना चाहते थे उनके मुख से, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आखिर वो काम जो है कि राम गोपाल यादव ने ऐसा कह दिया कि बहन जी को बोलना ही पड़ गया कि हम गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। घोसी उपचुनाव जीतने के बाद जो कि राम गोपाल यादव ने बहन जी को फ़ोन किया था, बधाई भी दी थी और 2024 में साथ लड़ने की बात हुई थी और बहन जी ने कहा था ठीक है देखेंगे, जन्मदिन के जब रहेगा उसके बाद जो है कि जनवरी में तय कर लेंगे। इसके बाद मीडिया में जब एक खबर लैस हो गई, सीक्रेट से मतलब मीडिया में बाहर आ गई, तो मायावती जी को कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बयान दे दिया कि ये गलत खबर चलाई जा रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, राम गोपाल यादव ने इसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं किया कि मैंने बोला था, ये मेरी बात हुई थी या नहीं हुई थी, दोनों में से कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। तो इस चीज़ से आंकड़ा सभी ने लगा लिया कि बहन जी से बात हुई थी। प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही थी कि बहन जी से बात हो और 2024 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जो कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर बीजेपी से लड़ा जाए। बहन जी लगातार अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या जो भी प्रोग्राम हो, उसमें लगातार अकेला चलो की नीति बताती रही कि हम अकेले रहेंगे, न इंडिया गठबंधन न एनडीए गठबंधन, तो ये बहन जी लगातार बोलती रहीं। अब इंडिया गठबंधन के लोग काफ़ी मतलब ये था कि बहन जी का निर्णय जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर करना क्या चाह रही हैं, या तो उन्होंने स्पष्ट कर दें गठबंधन में आना है तो बोल दें, नहीं आना तो बोल दें। तो अभी तक सब परेशान हो गए थे, राम गोपाल यादव ने जानबूझकर ये मीडिया में छेड़ी ये चीज़, एक बार छेड़ दिया मीडिया को तो मीडिया इसको हवा बनाई, बहन जी को बोलना ही पड़ गया कि हम भविष्य में हमारा जो है संबंध, भविष्य में हमारे पार्टी की ज़रूरत किसी को पड़ सकती है तो ऐसा ना करिए कि बाद में शर्मिंदगी महसूस हो, मतलब समाजवादी पार्टी को। तो इसका ये मतलब है कि समाजवादी पार्टी को समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करिए, टीका टिप्पणी, भविष्य में हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्पष्ट है अब कि यही वाक्य युद्ध में यही चीज़ निकलवाना चाह रहे थे राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के बड़े कद्दावर नेता, लेकिन बहन जी चुप थी। लेकिन ये रणनीति का हिस्सा था, राम गोपाल यादव ने जानबूझकर मीडिया में ऐसी बात छेड़ी कि बहन जी को बोलना पड़ा और अब इंडिया गठबंधन के पूरे चीज़ एकदम क्लियर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का पीडीए जो गठबंधन रहेगा, जिसमें आरएलडी के जयंत चौधरी, एएसपी के चंद्रशेखर आज़ाद, केशव देव मौर्य, महिंदर राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, सारा समीकरण तैयार है। मीडिया को इंडिया गठबंधन वाले घुमा रहे हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जो एक से एक खिलाड़ी इसमें मौजूद है। आपको बता दूं कि ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं मीडिया वाले, मनुवादी वाले, उनको समझ में नहीं आ रहा कि खेल क्या हो रहा है। सारा खेल भी हो गया, मीडिया वाले अलग ही नगाड़ा बजा रहे हैं, खुश है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन इंडिया गठबंधन ने इधर तैयार कर दिया। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।